बात की इकोलॉजिकल सिस्टम की, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है कि आखिर ये एनवायरनमेंट फॉर्म कैसे हुई। आज हम बात करेंगे हाइड्रोसियर की, जिसमें हाइड्रो यानी कि पानी, जिस इलाके में पानी ही पानी था वहाँ एनवायरनमेंट कैसे बनी और फॉरेस्ट और इकोसिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। हम मानते हैं एक जगह ले लेते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी है, धीरे धीरे वहाँ पर एक स्पीशी इवॉल्व हुई, पायनियर कहेंगे हम इस जिसे हम पायनियर कहेंगे क्योंकि ये पहली बार है कि ये स्पीशी यहाँ आई है। कोई भी जो भी स्पीशी, लिविंग स्पीशी पहली बार जिस जगह में डेवलप हो रही है वो कहलाती है पायनियर। तो वो है फाइटोप्लांक्टन्स। फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लांक्टन्स मतलब कि जो पानी पे तैरता हो। फाइटोप्लांक्टन पानी पे तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। वैसे ही होता है जू प्लांक्टन, जू मतलब एनिमल, तो जू प्लांक्टन पानी पे तैरने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। तो फाइटोप्लांक्टन्स यहाँ पे आए, धीरे धीरे इनकी डेथ और डीके के कारण ऑर्गेनिक मैटर नीचे जमा होता गया, उससे फिर नीचे रूट सबमर्ज प्लांट्स की डेवलपमेंट हुई। धीरे धीरे रूट सबमर्ज प्लांट्स भी डेड और डीके होते गए और सॉइल ऐड ऑन होती गई और साथ में और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता गया, जिसकी वजह से फाइनली हुआ रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स का बर्थ। यहाँ पर रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स जो रूटेड है नीचे और ऊपर हमें फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे और ऑर्गेनिक कंटेंट इसी तरह से ऐड होता गया और रीड स्वैम्प स्टेज आई, जहाँ पर कि ये जो प्लांट हैं ये आधा पानी में और आधा बाहर है पानी के, जिसे हम दलदल भी कहते हैं, जो कि सेज मार्श स्टेज है, जहाँ हमें कम पानी में और ज़्यादा पानी के बाहर होते हैं ये, और जो पानी है वो भी दलदला सा पानी है। फिर फाइनली स्टेज आई वुडलैंड स्टेज, यानी कि ये प्लांट्स भी डीकम्पोज हुए, सॉइल में मिल गए, जिससे सॉइल में ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ी, सॉइल बढ़ गई और सॉइल बढ़ी, तो फाइनली वुडलैंड स्टेज आई, जहाँ पर हमें छोटे छोटे ट्रीज और छोटे छोटे श्रब्स और ग्रासेस देखने को मिले। ये भी डेड और डीके हो गए, तो और ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और ज़्यादा सॉइल यहाँ पर फॉर्म हुई, विच फाइनली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है और यहाँ पर फाइनली ये इकोसिस्टम में लंबे समय तक टिका रहा, जिसे हम कहेंगे क्लाइमैक्स। हम इसे एक और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पानी ही पानी था और जो फर्स्ट क्रिएचर यहाँ पर लिविंग आया वो थे फाइटोप्लांक्टन्स, जिसे हम कहेंगे पायनियर। उसके बाद जितनी भी अलग अलग स्पीशी में परिवर्तन आया गया उसे हम कहेंगे सीरियल स्टेजेस, फाइनली लीडिंग टू द अल्टीमेट स्पीशी विच लिव्स हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम नोन एज क्लाइमैक्स। तो फाइटोप्लांक्टन्स आए, उसके बाद सबमर्ज्ड जो पानी के अंदर हैं, सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर डूबे हुए, फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरते हुए, फ्लोटिंग लीव्ड ये अंदर से तो रूटेड हैं पर ऊपर से इनकी जो लीव्स हैं वो फ्लोट करती हैं, रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, वुडलैंड स्टेज, फाइनली लीडिंग टू फॉरेस्ट। हाइड्रोसियर में अगर हम अलग अलग स्टेजेस की बात करें तो शुरू में हमारे पास वाटर बॉडी है कोई भी, जैसे कि पॉन्ड। उसके बाद पायनियर स्टेज में हमारे पास फाइटोप्लांक्टन्स वहाँ पर फॉर्म हुए, वो वहाँ पर आए। फाइटोप्लांक्टन्स पानी पर तैरने वाले प्लांट्स जैसे कि एल्गे या फिर डायटन्स। सीरियल स्टेजेस मतलब एक के बाद एक जो इंटरमीडिएट फिर स्टेजेस आती गई, जैसे कि रूटेड सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, इनके डेथ से और डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और सॉइल बिल्डअप होती गई, जिसके बाद और स्टेजेस आई जैसे कि रीड स्वैम्प, जैसे कि मार्शी यानी कि दलदली स्टेज भी हम कह रहे हैं, जहाँ पर जो प्लांट है वो पार्टली वाटर में है और आधा वाटर से बाहर लैंड पर है। उसके बाद और भी काफ़ी सीरियल स्टेजेस आई जैसे कि शेज मेडो स्टेज, जहाँ पर ग्रासेस हैं। उसके बाद वुडलैंड स्टेज आई, जहाँ पर हमें श्रब्स और ट्रीज देखने को मिलते हैं। श्रब्स क्या होते हैं? जो प्लांट बहुत ही छोटा हो, अगर कोई प्लांट बहुत ही छोटा है तो हम उसे कहते हैं हर्ब, अगर वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा है उसे हम कहते हैं श्रब, और वो और भी बड़ा है तो हम उसे कहते हैं ट्री। जनरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि वुडी स्ट्रॉन्ग ट्रंक होती है ट्रीज में, तो वहीं ग्रीन सॉफ्ट स्टेम होती है
हर्ब्स में कि इन बिटवीन हाइट वाले जो ट्रीज जो इन बिटवीन हाइट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं शर्ब्स, जिनके पास एक फेयरली स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम होती है। फिर फाइनली यहाँ पर फॉरेस्ट आ गए हैं जो कि खुद को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, जिस वजह से ये लंबे समय तक यहाँ टिक रहे हैं। और क्योंकि ये लास्ट स्पीशी है, लास्ट स्टेज है, और ये लंबे समय तक यहाँ पर बैलेंस्ड तरीके से रह रही है, हम इसे कहेंगे क्लाइमेक्स स्पीशी या क्लाइमेक्स स्टेज। अब हम बात करते हैं ज़ीरोसियर की। ज़ीरोसियर जहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता है, उसमें भी पर्टिकुलरली अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं लिथोसियर का। लिथ मतलब कि स्टोन, जैसे कि लिथोस्फियर या पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज। तो लिथोसियर की जब हम बात करते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक बेयर एरिया है, मान लेते हैं कि एक पत्थर है। उस पत्थर पर धीरे धीरे लाइकन्स आने लगे जो कि एसिडिक सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक है वो ब्रेक डाउन होने लगा और सॉइल फॉर्म होने लगी। फिर धीरे धीरे मॉसेस वहाँ पर आने लगे, मॉसेस के बाद यहाँ पर एनुअल ग्रासेस ग्रो होने लगे, फिर और ह्यूमस कंटेंट ऐड होता गया और सॉइल ब्रेक डाउन कर, फाइनली वहाँ पेरिनियल ग्रासेस। पेरिनियल होता है जो सदाबहार हो, जो हमेशा मौजूद हो कोई भी सीजन हो। तो इसका ऑपोजिट होता है सीजनल, जो कि खाली एक ही सीजन में या कुछ ही समय के लिए मौजूद हो, जैसे कि पेरिनियल रिवर हो जाएगी गंगा, यमुना, और सीजनल रिवर हो जाएंगी लूनी रिवर, जो कि राजस्थान के डेजर्ट वाले इलाके में बहती है। पेरिनियल ग्रास स्टेज के बाद आते हैं श्रब्स, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं यहाँ, फाइनली लीडिंग टू अ टाइम जब ट्रीज ग्रो होने लग जाते हैं और पूरा का पूरा फॉरेस्ट बनने लग जाता है। ये पूरी प्रोसेस है रॉक्स से ट्रीज के फॉर्मेशन तक की, जहाँ हमने पायनियर स्टेजेस से लेकर सीरियल स्टेजेस और फाइनली क्लाइमेक्स स्टेज को देखा। लिथोसियर में हमने देखा कि सबसे पहले वहाँ रॉक मौजूद था और वहाँ पर पानी नहीं था और कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं था। फिर धीरे धीरे वहाँ पायनियर स्पीशीज आई, विदरिंग हुई, जो लाइकन्स है वो स्मॉल, वो थोड़ा सा वीक एसिड वहाँ सिक्रीट करते हैं, जिसकी मदद से रॉक टूटने लगा। रॉक के इसी टूटने को, डिसइंटीग्रेट होने को हम विदरिंग कहते हैं, जिसके बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एसिड सिक्रीशन बाय लाइकन्स और विंड और वाटर, या फिर पानी आकर के इनके क्रैक्स में जम जाए, और जमेगा पानी जब तो वो रॉक को तोड़ देगा, क्योंकि हमें पता है कि जब पानी जमता है जो आइस होती है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बिल्ड होता है इससे धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और सॉइल, जैसे जैसे रॉक ब्रेक डाउन होता जाता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग स्पीशीज यहाँ आती दिखती हैं, मॉसेस आते हैं, फिर धीरे धीरे हर्ब्स आने लगते हैं, फिर श्रब्स आने लगते हैं, एंड फाइनली क्लाइमेक्स स्टेज आ जाती है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब एक ऐसा वहाँ पर इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है जो बैलेंस्ड होता है और जो खुद को लंबे समय तक टिका पाता है, जो कि है फॉरेस्ट ट्रीज। तो बेसिकली हमने देखा कि भले ही हम रॉक से शुरुआत करें या हम पानी से शुरुआत करें, अंततः हमारे पास फॉरेस्ट फॉर्म हो ही गया, और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व थे।